जून में बजाज ऑटो और रॉयल इनफील्ड ने बेची इतनी गाड़ियां, जानिए। जून महीने में टू व्हीलर्स निर्माता कंपनी बजाज ऑटो और रॉयल इनफील्ड की बिक्री में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। दोनों ही कंपनियों ने बिक्री के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। आइए के नजर डालते हैं इन दोनों के बिक्री के आंकड़ों पर। बजाज की सेल में हुआ इजाफा। बजाज ऑटो की जून महीने में बजाज ने जून महीने में 404,429 बाइक्स बेचकर 65% की ग्रोथ हासिल की है, जबकि पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 244,878 बाइक्स बेची थी। आपको बता दें कि हाल ही में बजाज ने पल्सर 150 को डबल डिस्क वेरिएंट के साथ लॉन्च किया, लेकिन बाइक की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया। दाम न बढ़ाने के पीछे कंपनी की यह खास रणनीति काम आई। रॉयल इनफील्ड की बिक्री में इजाफा। रॉयल इनफील्ड ने जून में 74,477 यूनिट्स बेची हैं, जो पिछले साल इसी दौरान बिकी 63,610 यूनिट्स की तुलना में 18% ज्यादा है। इनमें से 1,489 यूनिट्स इंपोर्ट की गई, जो जून 2017 में इंपोर्ट की गई यूनिट्स की तुलना में 27% ज्यादा है। बिक्री में बढ़ोतरी को जारी रखने के लिए कंपनी ने 3 कस्टमाइज बाइक पेश की है। ये बाइक्स फ्रांस में हुए व्हील्स एंड वेव्स इवेंट में लॉन्च की गई। यह कस्टमाइज बाइक का एक बड़ा इवेंट होता है। इन बाइक्स के नाम लॉक स्टॉक, रोहिणी और इंटरसेप्टर हैं। इनको कंपनी के ट्वीन इंजन वाले हाल ही में पेश हुए इंटरसेप्टर INT650 और कॉन्टिनेंटल GT650 पर डेवलप किया गया है। 865cc की लॉक स्टॉक को कंपनी ने खुद डिजाइन और डेवलप किया है। वहीं कॉन्टिनेंटल GT650 और इंटरसेप्टर 650 के लिए कंपनी ने पहली बार स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के कस्टम हाउस से साझेदारी की है।